मैं अपनी बीवी के करीब जाने लगा। क्या था कि वो मुझसे 15 साल छोटी थी, लेकिन फिर भी मैं उस पर हक तो रखता था। मैं उसके करीब होने लगा, वह छोटी सी दुल्हन घबराकर पीछे होने लगी। जब मैंने उसे करीब किया तो वो कहने लगी, मैं जानती हूँ आप मेरे साथ बहुत गलत करने वाले हैं, ऐसा मत करें। मगर मैंने उसकी एक ना सुनी और धीरे धीरे उस पर अपनी मोहब्बत निछावर। मैंने अम्मा को समझाने की कोशिश की कि वो मेरी बीवी है, मैं उस पर पूरा हक रखता हूँ, मगर अम्मा बार बार मुझे बोले जा रही थी कि वो तुमसे पूरे 15 साल छोटी है, उसकी उम्र अभी सिर्फ 15 साल है, उसे थोड़ा वक्त चाहिए, वो तुम्हारे हक को सह नहीं पाएगी, इसलिए खबरदार जो उसके करीब गए तो। और मैं बाहर सर पकड़ कर बैठ गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, खुद पर कैसे कंट्रोल करूँ। मेरे अंदर भी जज्बात थे, चाहे यह शादी अम्मा की पसंद से हुई थी, मगर अब वो मेरी बीवी बन चुकी थी, मेरे जिस्म से इनकार नहीं कर सकती थी। जिसमें अजीब सी बेचैनी उठ रही थी, जो उसकी संगत के लिए तड़पा जा रहा था, मगर अम्मा ने जब बात की, मैं तो मुँह जोर जज्बों पर ठंडी फोड़ डाल दी। मैं खुद पर जब्त कहता हुआ जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो वो हसन की पड़ी मेरे बेड पर पूरे हक के साथ बिराजमान थी, अपने अंदर सिमटी जा रही थी। मैंने जैसे ही उसका घूंघट उठाया तो उसे देखकर मेरे जज्बात मुजोर हो चुके थे, जिन पर कंट्रोल करना नामुमकिन था, इसलिए अम्मा के हुक्म को एक साइड पर रख कर मैंने उसका जेवर उतारा और फिर उसे बेड पर लिटा कर। मैं तो अम्मा की सोच पर जितना भी हैरान होता कम था। एक तो वो मेरी शादी करना चाहती थी, ऊपर से कह रही थी तुमने अपनी दुल्हन के करीब भी नहीं जाना, वरना मैं तुम्हें अपना दूध नहीं बख्शूंगी। मैं अजीब तरह की मुश्किल में गिरफ्तार हो चुका था। मेरी अम्मा को बड़ा समझाया, अम्मा ये कैसी सिद्ध है आपकी, जब मेरी शादी हो जाएगी तो मैं खुद को कैसे दूर रख सकूँगा, आखिर वो मेरी बीवी होगी और मियाँ बीवी भला रिश्ता अजवाज में मुंसलिक होने के बाद एक दूसरे से कैसे दूर रह सकते हैं। आप मेरी शादी ही ना करवाएं, मगर मुझसे इतना बड़ा इम्तिहान मत लें, जो खुदा ने दिया है वो आप मुझसे कैसे छीन सकती हैं। मगर अम्मा तो अपनी ज़िद पर कायम थी, कहने लगी तुम्हारी शादी करनी भी है अभी ही और तुम्हें अपनी बीवी से दूर भी रखना है, यूँ समझना तुम्हारा इम्तिहान ले रही हूँ तुम्हारी माँ। मैं तो जैसे अपना सर पकड़ कर बैठ गया, ऐसा इम्तिहान ऐसा भी कोई करता है क्या, वो भी अपनी औलाद के साथ, उसे अपनी बीवी के पास जाने से रोकते। मगर मैंने अम्मा से ज़बरदस्ती बात की, अम्मा ने ज़बरदस्ती मेरे सर पर सेहरा सजा दिया और कहा तुम्हारी शादी तो लाजमी होगी। मेरी माँ का हुक्मनामा सुनकर मैं कमरे में दाखिल हुआ, मेरी बीवी घूंघट निकाल कर बैठी हुई थी और मुसलसल कांप रही थी। आहिस्ता आहिस्ता कदमों से उसके करीब आया, बेड पर बैठ गया। मैंने आहिस्ता से उसका हाथ पकड़ा जो कि मुसलसल कांप रहा था, मगर उसने एक झटके से पीछे हटा लिया। मैंने कहा रीता परेशान मत हो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैंने आहिस्ता से उसका घूंघट उठाया तो वो बला की खूबसूरत लड़की थी, उसके हुसन में खो गया, वक्ती तौर पर अम्मा की बात को भूल गया। अम्मा ने मुझे बाहर बिठा कर जो बात बोली थी मेरी तरफ आसान नज़र से देख रही थी, जैसे मैं उसका शोहर नहीं कोई डाकू हूँ जिस पर डाका डालने आया हूँ, इससे पहले कि मैं उसके हुसन में खो जाता और अपनी हदें भूल जाता। मैंने जल्दी से अपनी जेब से रहनुमाई की अंगूठी निकाली और उसकी उंगली में पहना दी। मैंने कहा परेशान मत हो तुम, जितना वक्त चाहिए ले लो, मुझे कोई एतराज़ नहीं, मगर मुझसे डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं, ना मैं कोई जलाद हूँ बल्कि तुम्हारा शोहर हूँ। मगर शायद उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी वैसी ही रही, इनमें कोई कमी ना आई। अचानक ही वो बेड से उठी और वॉशरूम के अंदर घुस गई और मैं सोफे पर ढेर सा हो गया। भला मुझ जैसा इंसान भी कोई होगा जिसे शादी की रात अपनी बीवी से दूर कर दिया जाए। अम्मा की ज़हनियत अजीब थी, अगर इन्हें मुझे अपनी बीवी से दूर ही रखना था तो मेरी शादी करने की क्या ज़रूरत थी भला। मगर अम्मा तो हुक्मरान थी इस घर की, उनकी बला से कौन उनसे सवाल कहता। वो जब बाहर आई तो उसके बाल गीले थे, शायद शावर लेकर निकली थी क्योंकि अपनी उसने अपनी शादी का जोड़ा चेंज करके एक सादा सा लिबास पहन रखा था। सफ़ेद कुर्ते में उसका हुसन बेदाग लग रहा था,
मेहंदी लगे हाथों से वो अपने बालों में उंगलियां चला रही थी। मैं कुछ देर के लिए उसे नज़रें ना हटा पाया, मगर न जाने क्यों वो मेरी आंखों में नहीं देख रही थी। मुझे नज़रअंदाज करके जाकर सो गई, लाइट बंद कर दी। मैं भी वहीं सोफे पर ठहर हो गया। ये मेरी शादी की पहली रात थी, जो कि रंगीन रात तो बिल्कुल भी नहीं थी। इससे तो अच्छा था मैं कंवारा ही रह रहता, कम अज़ कम ऐसे ही अपनी बीवी को सामने देखकर ना तो तड़पता। एक ऐसा इम्तिहान था जिसमें मैं बिल्कुल फेल होने वाला था। और फिर आहिस्ता, सिर्फ शादी की पहली रात नहीं, बल्कि जब जब मैं उसके सामने जाता, अपने जज्बात से मजबूर होकर उसे छूने की कोशिश करता और वो मुझसे दूर चली जाती, जैसे मेरे वजूद से उसे अजीब सा खौफ महसूस होता हो। ऊपर से अम्मा किसी चंगेज़ खान की तरह मेरे सर पर सवार रहती जब भी उसे करीब जाने की कोशिश करता। अम्मा हमारे दरमियान खड़ी हो जाती। मुझे हैरत हो रही थी, अम्मा इस हद तक सफाकी का मुजाहरा कैसे कर सकती थी। मैं नौजवान था, एक बावकार शख्स, मेरी अच्छी जॉब भी थी। मेरा पूरा हक था कि मैं अपनी बीवी को सारे हकूक दे सकूं, जो मैं देना चाहता था। एक तो अम्मा ने पसंद की शादी की थी, ऊपर से मेरी बीवी को मुझसे दूर कर रही थी। मुझे अम्मा के रवैये की कतन समझ नहीं आ रही थी। मैंने बारहा अम्मा से पूछने की कोशिश की, आपको क्या लगता है मैं कोई इतना जंगली जानवर हूँ जो अपनी बीवी के साथ जानवरों जैसा सलूक करूँगा। मैं एक पढ़ा लिखा बाशऊर इंसान हूँ, और वो भी कोई इतनी दूध पीती बच्ची नहीं। अगर इतनी बच्ची थी तो आपने मुझसे उसकी शादी क्यों करवाई? ये ऐसा सवाल था जिस पर अम्मा बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर गई। शायद वो उसका जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती थी, बस ये बात कहकर टाल देती, तुम्हारी बीवी अभी बहुत छोटी है, उसे कुछ वक्त चाहिए, तुमसे बहुत खौफज़दा रहती है। मगर जब उसका खौफ ख़त्म हुआ तो वो खुद ही तुम्हारे करीब आ जाएगी, मगर तुम पेशकदमी बिल्कुल भी ना करना। ये मेरा हुक्म है, अगर कभी मुझे पता चला कि तुम उसके करीब गए तो मैं तुम्हें अपना दूध नहीं बख्शूंगी। यहाँ आकर वाकई मैं बेबस हो जाता था, अपनी ही बीवी को अपने सामने देखकर उसे छू ना सकना। शादीशुदा जोड़े तो हमेशा एक दूसरे के साथ लगे रहते थे, क्योंकि नया नया ये सारी मोहब्बत हो तो फिर एक दूसरे की संगत इंसान को सारी खुशियाँ दे देती है। दुनिया की फिक्रें और उलझना बिल्कुल भूल जाते हैं, मगर मेरे साथ ऐसा कोई मामला ना था। एक तो अम्मा मेरे सर पर जल्लाद बनकर खड़ी रहती थी, ऊपर से मेरी बीवी भी मुझसे दूर दूर रहती थी। जैसे इसके करीब आऊँगा तो उसके सर पर हर तरफ तबाही मच जाएगी। न जाने वो मुझसे इस कदर खौफजदा क्यों रहती थी, हालांकि मैं खुश शक्ल इंसान था। कोई नामहरम लड़की मुझे देखती तो थोड़ी देर के लिए मबहूत तो ज़रूर रह जाती। मैं लूला लंगड़ा भी नहीं था, फिर ऐसे हर दम खौफ क्यों सवार रहता था? अपने शोहर के सवाल का जवाब देने में की नाकाम कोशिश कर रहा था, मगर ये जवाब मुझे नहीं मिल रहा था। अब मैं अपनी बीवी से पूछना चाहता था, वो कोई जवाब दिए बगैर वहाँ से भाग जाती, जैसे अगर इस सवाल का जवाब मुझे देगी तो शायद उसकी कोई नुकसान हो जाएगा। घर का माहौल ऐसा बन चुका था, मैं बिल्कुल ही आवाज़ फाख्ता हो गया था। मुझे किसी चीज़ में सुकून नहीं मिल रहा था, मेरी तबीयत में अजीब सा झंझलापन था। माँ मेरी तवज्जो पर सही नहीं हो पाई थी। मैं घर भी ठीक तरीके से नहीं रह पा रहा था, हर वक्त उसे नज़रों के सामने देखता। यह सच था कि मैंने उसे मोहब्बत की शादी नहीं की थी, बल्कि अम्मा की फरमाइश पर शादी की थी। मगर मेरी अपनी नफ्सियाती ख्वाहिशात भी तो थी। बीवी को देख कर जाग उठती थी, मैं उसकी गुर्बत पाना चाहता था, मगर वो मुझे अपने करीब ही ना आने देती, ना अम्मा मुझे उसके पास जाने देती। मैं अजीब तरह की कशमकश में मुब्तला हो चुका था, मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं उसके करीब कैसे जाऊं। उसे तो ये तक नहीं पता कि शादी क्या होती है, मियां बीवी का रिश्ता क्या होता है। वो बहुत छोटी है अभी, इस तरह की सोचों से बालतर है, इसलिए उसे कभी मजबूर ना करना अपने किसी भी हक के लिए। मैं जब भी घर आता, या तो वो किचन में होती या फिर घर के किसी दूसरे काम काज में मसरूफ होती, वो बिल्कुल खामोश रहती थी, कभी मुझसे बात तक नहीं की। मैं उसे बात करने की कोशिश भी करता तो वो मुँह बहुत कम जवाब देती थी, या वहाँ से खिसक जाती थी, यूँ कहा जाए भाग जाती थी तो ज़्यादा बेहतर होता। मैं आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करने लगा उससे बात करूँ, उसे दोस्ती करूँ। कम अज़ कम एक ही कमरे में दोस्तों की तरह तो रह ही सकते थे ना।
आखिर ऐसे भी क्या ला ताल्लुकी मुझसे, मगर उसका वजूद बर्फ़ की मानित था। एक बार मैं ऑफिस से जल्दी घर आ गया। मौसम काफ़ी सुहाना हो रहा था। मैंने रिदा को ढूंढा, उसे एक कप चाय का कह दूं, शायद वो किचन में कोई काम कर रही थी। उसके पीछे से गया, उसके कान में सरगोशी की तो वो एकदम से भटक कर पीछे हटी, जैसे बहुत ज़्यादा खौफ का शिकार हो गई हो। मैंने कहा, क्या हुआ है यार, मैं तुम्हें सरप्राइज़ देने आया था, मगर तुम तो हर वक्त मुझसे दूर रहती हो, जैसे मैं तुम्हारा शोहर नहीं कोई जल्लाद हूँ, तभी तुम्हारा कत्ल कर दूँगा। मेरी बात सुनकर वो एकदम से थर थर काँपने लगी, कहने लगी, प्लीज़ मुझसे दूर रहें, मेरे करीब ना आइएगा। उसका जिस्म जैसे सलसलों की जद में आ चुका था। आखिर मैंने ऐसा भी क्या कह दिया था उससे कि वह यूँ खौफ का शिकार थी। मैंने कहा, रेता क्यों रुक गई, रिलैक्स करो। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखना चाहा, मगर वो किचन से निकल कर कमरे की तरफ भाग गई, अंदर से कुंडी लगा ली। उसका यूँ डरना बे इंतहा परेशान कर चुका था। या खुदा, वो मुझसे इतना क्यों डरती थी। और जब मुझे इस हकीकत का पता चला तो मैं अपनी ही नज़रों में गिर गया। मेरे लिए अपने कदमों पर खड़े रहना मुश्किल हो चुका था, क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था मेरी माँ मेरे साथ ऐसा कुछ कर सकती है, क्योंकि ये सारा किया धड़ा मेरी माँ का ही था। उन्होंने चालाकी से हम दोनों को एक दूसरे से पसंद किया था, और ऐसा किस वजह से किया था ये जानकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस रात कमरे में थी, मगर वो तब कमरे में दाखिल होती थी जब मैं सो चुका होता था, मगर आज मैं सोने का नाटक कर रहा था। जब वो कमरे में आई तो मैं उस सोफे से उठा और एकदम से कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने उसे कहा, आज मैं ये पूछना चाहता था कि वो आखिर मुझसे इस हद तक हरासा क्यों रहती है। वो एकदम से खौफ का शिकार होकर खुद में सिमटी बैठी। मैं आहिस्ता से उसके कदमों के करीब गया, उसके पास बैठ गया, उसका हाथ थामा तो उसने एक झटके से हाथ पीछे हटा लिया, मगर मैंने नहीं छोड़ा, अपने मजबूत हाथों में पकड़ लिया। मैंने कहा, मेरी आंखों में देख कर बताओ, क्या मैं तुम्हें जंगली जाहिल इंसान लगता हूँ, जिसे बीवी के साथ किस तरह से पेश आना है इस बात की कतन समझ नहीं। हमारी शादी को 6 माह का अरसा हो गया है, अगर मैं जंगली होता तो पहली ही रात तुम्हारे साथ वो काम कर चुका होता, अपनी अम्मा के हुक्म को रद्द कर चुका होता, मगर मैं एक बाशऊर एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ, जिसकी नज़र में अपनी बीवी का राय का एहतराम इतना ही अहम है जितना कि अपनी मोहब्बत। आज मुझे तुम बताओ, तुम इस हद तक मुझसे क्यों खौफजदा रहती हो, आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। अगर तो तुम मुझसे नफरत करती थी तो मुझसे शादी क्यों की। मैंने नोट किया था, मेरी बातें सुनकर उसकी घबराहट कुछ कम हुई थी। फिर उसने मुझे वो बात बताई जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे लगा शायद मैं अपने रिश्तों को समझने में गलती कर रहा था, लेकिन मेरा कसूर नहीं था, बल्कि कसूर मेरी खुशियों की ताकत, खुशियों के दुश्मन मेरी माँ थी। शुरू से ही मैं काफ़ी संजीदा और मेहनती किस्म का इंसान था। मैं अपने काम और अपने बल मेहनत लगन के बलबोते पर मुस्तकबिल बनाया। मेरे बाप बचपन में वफात पा गया था, दादा बचपन में वफात पा गया था 2 साल तक। पापा के मरने के बाद और भी ज़्यादा संजीदा हो गया। मेरी माँ मुझे बार बार एहसास दिलाती कि तुम घर के बड़े हो, तुम्हें ज़िम्मेदारी निभानी है, अपने छोटे भाई का ख्याल रखना है। माँ का हुक्म न होता तो मैं खुद भी बहुत आसान काम करने वाला था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी माँ ही मेरी खुशियों की दुश्मन निकलेगी। सारी ज़िम्मेदारी मुझ पर डाल दी थी, अपने छोटे भाई का ख्याल रखना माँ का हुक्म होता था, मैं खुद भी बहुत काम करने वाला था, क्योंकि शुरू से ही अपनी खुशियाँ कुर्बान करने की आदत थी। हर वो चीज़ जो मुझे पसंद होती थी वो मुझसे भाई ले लेता था। अम्मा कहती कि तुम बड़े हो, समझदार हो, तन्हा अभी छोटा है, तुम ये चीज़ उसे दे दो। मैं फ़ौरन से अपने हक से दस्तर हो जाता। यूं ही हम दोनों जवान हो गए। तलहा जब मुझसे तकरीबन 5 साल छोटा था, वो लाहौर में किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता और मैं इधर कराची में ही अपनी अम्मा के साथ रहता था। मैंने शुरू से ही नोट किया था, मेरी अम्मा की तवज्जो मुझसे ज़्यादा मेरे भाई पर थी, जो हर वक्त उसका ख्याल रखती। अगर अपा मुझे कोई चीज़ ला कर देते तो अम्मा मुझसे ले लेती, कहती तुम बड़े हो, समझदार हो, तुम्हें इन चीज़ों की क्या ज़रूरत, तुम्हारा भाई अभी छोटा है, तुम ये चीज़ उसी को दे दो। मैं बिना कोई एतराज़ किए उसे दे देता, क्योंकि मैं फर्मा बरदार किस्म का बेटा था। मैं शुरू से ही कुर्बानी का बकरा बनता आया था। मैंने कभी कोई शिकवा नहीं किया था कि मेरी माँ छोटे भाई को ज़्यादा तवज्जो क्यों देती है,
और जब यह राज मुझ पर खुला तो एकदम से मुझे ऐसे लगा जैसे अपने कदम पर खड़ा नहीं हो पाऊँगा। मुझे अपनी माँ के रवैये की समझ आ चुकी थी। जो चीज़ मुझे छीन कर मैं भाई को क्यों देती थी, क्योंकि उनका सगा बेटा नहीं था, अपने बाप का सगा बेटा था। मेरे बाप ने दूसरी शादी की थी, मेरी पहली माँ मर चुकी थी। दूसरी माँ यानी अम्मा से उनको एक बेटा पैदा हुआ था जो मेरा छोटा भाई तलहा था, जिस पर माँ दिला जान से अपनी सारी तवज्जो निछावर करती, मुझे खास भी नहीं डालती थी। ये तक नहीं समझता था कि अम्मा मुझसे इस तरह का सलूक क्यों करती है, मगर जब मुझे समझ आया तो मुझे अम्मा के हर सवाल का जवाब मिल गया। अम्मा के भाई की बेटी थी जो कि इंतकाल कर गई थी। अब्बा ने अम्मा के जाते ही अब्बा ने दूसरी शादी कर ली। उनकी सौतेली मारदा को अपने घर में टिकने नहीं देती थी, जल्द से जल्द उसे चलता करना चाहती थी। अम्मा को अपने भाई की निशानी बहुत अजीज थी। वो चाहती थी कि रैदा का रिश्ता तलहा के साथ यानी मेरे छोटे भाई के साथ हो जाए, मगर तलहा क्योंकि लाहौर में जॉब करता था, उसकी रूटीन काफ़ी सख्त थी, इसलिए वो नहीं कर सकता था शादी, इसलिए इतना ही सारी जिम्मेदारी निभा सकता था। मगर रैदा की माँ तो रैदा को चलता करने की फ़िक्र में थी, इसलिए अम्मा ने फैसला किया कि फ़िलहाल रैदा का निकाह मुझसे करवा देंगी और रैदा को अपने घर ले आएंगी, क्योंकि बगैर निकाह के तो रैदा की सौतेली माँ उसे हमारे घर नहीं छोड़ सकती थी। वैसे भी उसकी माँ की ख्वाहिश थी कि तलहा के बजाय रैदा मेरी दुल्हन बने। वो काफ़ी जलाद किस्म की खातून से अम्मा से चाह कर रहा था, इसलिए अम्मा ने ना जाते हुए भी रैदा का मुझसे निकाह करवा दिया। मेरी शादी में मेरे भाई ने शिरकत नहीं की थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था अपनी जॉब के हवाले से, उसे छुट्टी भी नहीं मिल सकी, इसलिए अम्मा ने स्कीम लड़ाई। फ़िलहाल रैदा का निकाह मुझसे करवा दिया, जब रैदा कुछ बड़ी हो जाएगी तो मुझसे तलाक दिलवा कर वो अपने छोटे बेटे के साथ रैदा की शादी करवा देंगी, इसलिए वो रैदा को मेरे करीब नहीं आने देती थी। रैदा के जहन में अम्मा ने यह बिठा दिया था कि मेरा बेटा एक जंगली इंसान है, बिल्कुल औरत के जज्बात की परवाह नहीं, इसलिए गलती से भी उसके करीब मत आने की कोशिश करना, वरना वो तुम्हारे साथ जानवरों जैसा सलूक करेगा। रैदा की ऐसी सोच मेरी माँ ने बनाई थी, उसके कान फड़ फड़ कर मेरे खिलाफ किया था ताकि रैदा मेरे करीब ना आए। मेरी माँ ने मुझसे यह शर्त रखी थी कि जब तक रैदा तुम्हारे करीब नहीं आती, इसके साथ कुछ वैसा वैसा नहीं करोगे। ये सारी हकीकत मुझ पर खुली तब मुझे रैदा का दिल काफ़ी हद तक अपने मुतलिक नरम कर चुका था, उसका खौफ ज़ाहिर कर चुका था। रैदा ने जब मेरा नरम रवैया देखा तो उसे लगा शायद उसे मेरे मुतलिक गलत बताया गया है ताकि वो मुझसे दूर रहे, क्योंकि मैंने जानवर जैसा सलूक करूँगा। मैं एक पढ़ा लिखा और बाशूर इंसान हूँ, मुझे पता है एक बीवी के क्या हकूक़ होते हैं। शादी की बुनियाद तो मोहब्बत जैसे रिश्ते पर रखी जाती है। मैं तुम्हारे साथ कभी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, मैं तुम्हें पूरी आज़ादी देता हूँ तुम अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करने की। अगर तुम मुझसे तलाक चाहती हो, तलहा से शादी करना चाहती हो, तो मुझे ज़रा भी एतराज़ नहीं होगा, मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँगा, खुशी खुशी तुम्हारी शादी अपने भाई से करवा दूँगा। मगर मैं इस तरह तुमसे कोई रिश्ता नहीं निभा सकता कि तुम्हारे शोहर बनकर रहूँ, तुम्हें हाथ भी ना लगाऊँ, क्योंकि ये हक तो मुझे अल्लाह ताला ने दिया है। मेरी बात सुनकर वो सारा कतार रोने लगी, मेरे सीने से लगकर कहने लगी, मुझे माफ़ कर दे, मुझे आपकी माँ ने आपके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा भड़काया था, आप किसी जंगली जानवर से कम नहीं हैं, इसलिए मैं आपके करीब आने से डरती थी, मगर आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं, मेरी ख्वाहिशात का एहतराम करते हैं, मेरी छोटी छोटी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं, मैं कभी आपको छोड़ना नहीं चाहती। रैदा ने जो फ़ैसला किया मैंने दिल से खुशी महसूस की, क्योंकि इन 6-7 माह में अपने दिल में उसके लिए एक ख़ास जगह बना चुका था। मैं चाहता था कि उसका दिल खुद ही मेरे लिए नरम पड़ जाए। आज रैदा का दिल मेरे लिए नरम पड़ चुका था। जब अम्मा ने यह बात सुनी तो उनके जैसे औसान ख़ता हो गए, क्योंकि उनके पलानिंग थड़ी की थड़ी रह गई। मैंने अम्मा से कहा, अम्मा मैंने आज तक आपके आगे कोई हुक्म अदली नहीं की, मैं आपका सगा बेटा ना सही, लेकिन कम अज़ कम मुझे एक इंसान तो समझती। मुझे वाकई माँ पर अफसोस होने लगा, क्योंकि उन्होंने एक बेटे की खुशियों की खातिर दूसरे बेटे का घर उजाड़ने का सोचा। मैंने अम्मा से कहा, मैं अब मज़ीद इस घर में अपनी बीवी के साथ नहीं रहना चाहता, बल्कि हम अलग घर में शिफ्ट हो रहे हैं। आप अपने छोटे बेटे को अपने पास बुला लीजिए, क्योंकि वो आपका सगा बेटा है, शायद आपको वो वैसी मोहब्बत और प्यार दे सके जो आज तक मैंने नहीं दिया। ये कहकर मैंने रैदा का हाथ थामा और घर से निकल गया, और वो पीछे खड़ी शायद सोच रही थी उन्हें मेरे साथ इतनी बड़ी ज़्यादती नहीं करनी चाहिए थी। मगर अब सोचने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि मैं फ़ैसला कर चुका था, इसलिए रैदा को लेकर नए घर में शिफ्ट हो गया। रैदा यहाँ आकर बहुत खुश थी,
उसके चेहरे पर कोई डर खौफ न था, जो पहले मुझे देखकर होता था पीछे हट जाती थी, अब मेरे पहलू में चिपके रहती। हमने अपनी खूबसूरत अज़दवाजी रिश्ते की शुरुआत की, जिसमें रेदा की पेशकदमी शामिल थी। आज 5 साल बाद रेदा के साथ एक नॉर्मल और खुशियों भरी ज़िंदगी गुजार रहा था।